नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद, जय भारत। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं आर्मी साइंस मॉक टेस्ट सीरीज। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए आर्मी साइंस की मॉक टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। कम से कम हम 100 टेस्ट सीरीज करने वाले हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं साइंस मॉक टेस्ट सीरीज नंबर 7। अगर आपने 6 मॉक टेस्ट सीरीज नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी आर्मी साइंस मॉक टेस्ट सीरीज, वहां आपको सभी क्लासें मिल जाएंगी। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। सेशन बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप भी आर्मी की तैयारी करते हैं तो क्लास अंत तक जरूर देखें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए संवेग संरक्षण, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन सी बर्नौली प्रमेय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही होगा, संवेग संरक्षण। रॉकेट संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो आपके सामने है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए जेम्स चैडविक, ऑप्शन बी जे थॉमसन, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी डाल्टन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर ऑप्शन बी जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन आपके सामने है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्मी के एग्जाम में यह क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर तीन आपसे पूछा हुआ है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का दूसरा नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का तीसरा नियम, ऑप्शन डी सापेक्षता सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए न्यूटन का पहला नियम। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, यह न्यूटन का पहले नियम का उदाहरण है। दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दिया करो, जिससे आपको लेवल पता चलेगा कि आपका लेवल कहां पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चार आपके सामने है, इबोला क्या है। क्वेश्चन नंबर चार आपसे पूछा गया है कि इबोला क्या है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी वायरस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वायरस। जितने भाई ऑप्शन डी कर रहे हैं वायरस, उन सभी का सही है, इबोला एक वायरस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पांच आपके सामने है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोलेनम ट्यूबरोसम किसका वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए प्याज, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी अमरूद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी आपका सही है, आलू। सोलेनम ट्यूबरोसम आलू का वैज्ञानिक नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर छह आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर छह का मुझे आंसर सभी का चाहिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। ऑप्शन ए दिन और रात्रि में, ऑप्शन बी रात्रि में, ऑप्शन सी केवल दिन में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर छह का जल्दी से कमेंट कर दें राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर छह आपसे पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केवल दिन में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर सात आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लव डप ध्वनि का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है। क्वेश्चन नंबर सात आपसे पूछा गया है कि लव डप ध्वनि का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कर दे राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी ग्रास नली, ऑप्शन सी बड़ी आंत, ऑप्शन डी अमासी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हृदय। लव डव धमनी का संबंध किससे है? हृदय से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आठ आपके सामने है। दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्लास खत्म होने के बाद क्लास को शेयर जरूर कर दें। पोलियो रोग किस कारण होता है। क्वेश्चन नंबर आठ आपसे पूछा गया है कि पोलियो रोग किस कारण होता है। ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी कवक,
ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सभी का आना चाहिए और सभी का सही होना चाहिए। पोलियो रोग किस कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए विषाणु। पोलियो रोग विषाणु वायरस के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था ठोस द्रव एवं गैस में पाया जाता है? ऑप्शन ए H2O2, ऑप्शन बी NH3, ऑप्शन सी SO2, ऑप्शन डी H2O। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा जल्दी से कमेंट कर दें। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस द्रव एवं गैस? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी H2O। H2O पदार्थ तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस द्रव एवं गैस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वह पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करता है क्या कहलाते हैं? वह पदार्थ या वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कर दें। ऑप्शन ए ईंधन, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी ऊष्मादायक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ईंधन। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं ईंधन कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 11 रिपीट कर रहा हूं, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए मेंडेलीव, ऑप्शन बी डोबेरेनर, ऑप्शन सी न्यूलैंड्स, ऑप्शन डी लोथर मेयर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डोबेरेनर। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डोबेरेनर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। दोस्तों प्रत्येक मॉक टेस्ट सीरीज में हम साइंस के 15 क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं। अगर 15 में से आप 12 प्लस क्वेश्चन सही करते हैं तो आपकी तैयारी ठीक चल रही है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है, डबल रोटी बनाने में प्रयोग किए जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी सोडियम सल्फेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाने वाला बेकिंग पाउडर कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सफेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है, व्हाइट गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी शुद्ध स्वर्ण, ऑप्शन डी प्लेटिनम। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कर दें। जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद। व्हाइट गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्लेटिनम। प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कॉफी में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है, कॉफी में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? ऑप्शन ए थीन, ऑप्शन बी निकोटीन, ऑप्शन सी कैफीन, ऑप्शन डी प्यूरिन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का सभी ने सही जवाब दिया है कैफीन। कॉफी में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? कैफीन। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का मुझे सभी का आंसर चाहिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है, मानव श्वसन क्रिया में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? क्वेश्चन नंबर 15, मानव श्वसन क्रिया में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। जिस भी भाई ने ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी क्या उन सभी का सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। मानव श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ा जाता है। तो दोस्तों ये थी अपनी मॉक टेस्ट सीरीज, 15 क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए, 15 में से 13 प्लस किस किस के सही है कमेंट करके अपना नाम जरूर बताएं। अब लास्ट में आपके लिए एक मोटिवेशन कोटेशन है, जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। दोस्तों ये मोटिवेशन कोटेशन आपके लिए बहुत ही अच्छी कोटेशन है, रिपीट कर रहा हूं, जहां तक रास्ता दिख रहा है
वहां तक चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। तो ये थी मॉक टेस्ट सीरीज दोस्तों। मॉक टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओगे। अगर आप भी आर्मी की तैयारी करते हो और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो घंटी का निशान है इसे जरूर दबा लें, जिससे जैसे ही मैं कोई भी क्लास अपलोड करूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आप आर्मी भर्ती से संबंधित नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है 7300133100। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत। क्लास खत्म होने के बाद क्लास को शेयर जरूर कर देना, आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई के पास क्लास को पहुंचा दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।